हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ कितनी जाएगी, ये दोनों अपडेट इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक जारी होगा, कट ऑफ कितनी आएगी, जनरल ओबीसी एससी एसटी इनकी कितनी कट ऑफ जाने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखेगा तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि काफी समय से आप सभी का जो इंतजार है रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट का वो काफी ज्यादा चिंताजनक बना हुआ है। और यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाएगी ये काफी सारे आपको जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से कंफर्म इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, क्योंकि यहां पर रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारी ने अपडेट दे दी है और यहां पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूरी अपडेट की। तो दोस्तों, timesnownews.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट दी गई है, जिसमें साफ साफ बताया है रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट डेट कंफर्म बाय आरआरबी ऑफिशियल्स, चेक एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड रैंक कैलकुलेशन क्राइटेरिया। चलिए नीचे चलते हैं और बात करते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ऑफिशियली हैव रिपोर्टेडली कंफर्म द आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट डेट। जी हां दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो ऑफिशियली यहां पर कंफर्म हो चुका है एज पर द कंफर्मेशन रिसीव्ड, जो कंफर्मेशन रिसीव्ड हुई है उसके माध्यम से। और ग्रुप डी का जो रिजल्ट है 2018 का वुड बी रिलीज बिफोर फरवरी 28, 2019। जी हां दोस्तों, 28 फरवरी से पहले आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। फाइनली अपडेट आ चुकी है और आरआरबीज आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू रिलीज द आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम सीबीटी 2 रिजल्ट बाय फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। जी हां दोस्तों, फर्स्ट वीक मार्च के अंदर आपका एएलपी टेक्नीशियन का जो फाइनल सीबीटी 2 का रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया जाएगा। द कंफर्मेशन वुड बी शेयर्ड बाय द वेरियस आरआरबी रीजनल वेबसाइट इन ड्यू कोर्सेस ऑफ टाइम। एक्सपर्ट हैव शेयर्ड एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड रैंक कैलकुलेशन क्राइटेरिया हियर। और यहां पर आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी रिजल्ट एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एंड रैंकिंग, यहां पर पूरी जानकारी दे रखी, क्या क्वालिफाइंग होनी चाहिए, क्या रैंकिंग होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए रिजल्ट की। तो एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सिक्योर अ मिनिमम 40% मार्क्स जनरल, और यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए टू क्वालिफाइंग द आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी एग्जामिनेशन। द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर ओबीसी एससी एसटी इनके लिए बताया गया है यहां पर 30% होना अनिवार्य है। चलिए अब सीधा लेके चलते हैं हम आपको कि यहां पर आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी रिजल्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ Expert who have received feedback from candidates appearing in the Group D examination have suggested that the expected cutoff for the RRB Group D examination is expected to be इन द रैंक ऑफ 52 to 67 मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो रेलवे ग्रुप डी के जो कैंडिडेट्स है उनके अनुसार यहाँ पर जो फीडबैक दिया जा रहा है वो यही दिया जा रहा है कि आपका जो रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट का जो कट ऑफ बन रही है वो बन रही है 52 से लेकर 67 तक की। जी हाँ दोस्तों, इसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो है इंक्लूडेड है, जिसमें आप देखते हैं मिनिमम आप मान लीजिए एससी एसटी वालों के लिए 52 तक जा सकती है और मैक्सिमम यहाँ पर 67 है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ 52 से लेकर 67 तक आपकी जा रही है। ठीक है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट की जो कट ऑफ है उसकी कोई भी अभी तक ऑफिशियली अपडेट नहीं आई है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। जहां भी आपको सोशल मीडिया में जो भी अपडेट मिल रही है वो सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ मिल रही है। जी हां दोस्तों, अनुमान के अनुसार ही आपको कट ऑफ की जानकारियां दी जा रही है। तो यहां पर भी आप देखते हैं 52 से लेकर 67 जो है एक्सपेक्टेड है, कभी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन आप ये मान के चलिए आपकी 52 से 67 के बीच में ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि यहां पर जो एग्जाम है 1.15 करोड़ कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था, जिस कारण से आपकी कट ऑफ जो है थोड़ी हाई जाने के चांसेस है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आप सभी के लिए अपडेट। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।